प्रवेश इन्फो में आपका स्वागत है। कभी कभी हम अपने फल सब्जी जड़ी बूटियां व अन्य खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं मगर उनके छिलकों को फेंक देते। उनमें से बहुत सारे ऐसे फल सब्जी जड़ी बूटियां व अन्य हमारे सूखे मेवे इत्यादि ऐसे भी हैं जिनके छिलके या कवर वो बहुत उतने ही पौष्टिक होते हैं या उनसे हम कई प्रकार के फायदे ले सकते हैं अपने स्वास्थ्य पर्पस के लिए या अन्य किसी चीज का उनसे प्रयोग कर सकते हैं। परेश इन्फो उन सब की एक सीरीज चालू कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले संतरे यानी ऑरेंज का जो छिलका है उसको कैसे प्रयोग करना है और वो किस किस काम में आ सकता है, उस छिलके के अंदर कितने गुणकारी तत्व हैं, क्या वो संतरे के जूस के बराबर या उससे कम ज्यादा उसके अंदर पौष्टिकता है और वो हमारे घरों में हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जितना ज्यादा संतरे का जूस यानी कि ऑरेंज जूस को पीने से शरीर को फायदा होता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी भरपूर होता है, मगर ऐसा भी पाया गया है कि जो संतरे का छिलका है उसमें विटामिन सी उसके जूस से भी ज्यादा फायदेमंद, और इतना नहीं उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियों से हमको बचाता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम उसको फेस पैक बनाने का तरीका जानेंगे कि फेस पैक हम उसको कैसे बना सकते। आप संतरे के छिलके को एक कपड़े के ऊपर फैला के और ऊपर से उसको ढक दें, धूप की जहाँ पर धूप की किरणें आए वहाँ पर रख 3-4 दिन उनको अच्छी तरह से धूप लगवाएं। जब वो बिल्कुल सूख जाए, कड़क हो जाए, उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाए, उसको ग्राइंड करके पाउडर बना ले। इसको हम कहेंगे ऑरेंज पील पाउडर, मतलब संतरे के छिलकों का पाउडर बन गया। अब इस पाउडर को एयर टाइट डब्बे में रख लें। जब कभी आप अपने नहाने से पहले थोड़ा सा एक कटोरी में 1 चम्मच इस पाउडर को लें और 1 चम्मच शहद, थोड़ा सा दूध, अगर दूध नहीं है तो दही को अच्छी तरह से मिला लें और जब ये पेस्ट बन जाए तो नहाने से पहले हाथ साफ करें अच्छे साबुन से, दोनों हाथ उसको धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगाएं, इनसे अपनी आंखों को बचा लें, माथे पर, गाल पर, गर्दन पर और पूरा लगा दें। खास तौर पे आंखों के नीचे जो कालापन आ जाता है उस पर भी आंख बंद करके मालिश करें। आप देखेंगे कि 15-20 मिनट के बाद ये सूखने लग जाएगा और 10-15 मिनट ले लें तो मतलब आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी के लेके धीरे धीरे इस जो फेस पैक हमने बॉडी पे लगाया था शरीर पे अपने फेस पे उसको धीरे धीरे उसको उतारते चले जाए, धुल जाएगा। फिर उसको अपने टॉवल से चेहरे को साफ कर ले और एक क्लींजिंग क्रीम या कोई अच्छी लोशन जो आप अपने फेस पे लगाते हो उससे थोड़ी सी देर मालिश कर लें ताकि ये ड्राई स्किन जो है वो ठीक हो जाए। अब आप अपनी दिनचर्या में रहें। अब इसके क्या फायदे क्या हैं? पहली बात तो यह है कि आपका चेहरा शाइन करने लग जाएगा, ग्लो करेगा, एक अजीब सी चमक आने लग जाएगी, एंटी एजिंग का ये काम करेगा और जो आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आप इसका प्रयोग हफ्ते में 1 बार बड़े आराम से कर सकते। ये इतनी अच्छी चीज है, ये मुफ्त की है, घर में आप बहुत आराम से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सर इसको बनाने, लगाने और फेस को साफ करने के लिए सिर्फ आधा घंटा चाहिए। आज हमने फेस पैक के लिए, एंटी एजिंग से बचे रहने के लिए और इससे और जो फायदे हैं हम अगले वीडियो के अंदर अलग वीडियो बताकर अलग अलग इसके उपयोग और फायदे बताएंगे ताकि क्योंकि उनका मिक्सचर भी अलग होगा जिससे कि आप अपने चेहरे को एक सुंदर रूप दे सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं और आपको अपना चेहरा शीशे में देख कर अच्छा लगेगा। आपके घर वाले या जो उनसे आप मिलते हैं वो भी कुछ टाइम के बाद कहेंगे कि आपके चेहरे की स्मार्टनेस आ गई है और आपको प्रभावित करेगी और आप खुश रहेंगे। मैं आशा करता हूँ ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप अपनी लाइफ में प्रयोग करते रहेंगे तो आपको महंगी महंगी क्रीमों से रिलीफ मिल जाएगा और घर में ही फायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकॉन का बटन दबा दें कि आने वाले वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच सके। आपके अगर कोई कमेंट हो या आपने कुछ और किसी के बारे में छिलके के बारे में पता करना हो तो आप हमें लिख के भेजें, हम उनका जवाब आपको शीघ्र देंगे। धन्यवाद।